Hello everyone, welcome you all and learn to teach with Dr. Manoj Srivastav. Hope you all are fine and safe and using your time in good thing. Student, आजकल जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं अपने चैनल पे वो है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से रिलेटेड पेपर पे, और इस पे आज का जो टॉपिक हमने उठाया है वो है जेंडर सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन फैमिली। सबसे पहले इस टॉपिक को आगे समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सोशलाइजेशन की प्रोसेस होती क्या है। तो सोशलाइजेशन, जैसे कि हम हिंदी में समाजीकरण कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक जो बच्चा होता है उस समाजीकरण या सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू समाज में रहने, उसके तौर तरीके, उसके व्यवहार, परंपराओं को सीखता है। तो एक फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बच्चे के लिए सोशलाइजेशन प्रोसेस या समाज को समझने या उसकी तौर तरीकों को जानने के लिए। तो जेंडर सोशलाइजेशन यानी कि समाज ने जेंडर के लिए क्या क्या रोल निर्धारित किए हैं, उसमें फैमिली का क्या महत्व होता है, कैसे उस चीज को समझाने में फैमिली अपनी हेल्प आपकी हेल्प करती है, उसको हम जानेंगे इस टॉपिक के जरिए। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी समझा कि जेंडर सोशलाइजेशन होता क्या है, तो इट्स हाउ अ मेल एंड फीमेल लर्न मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी थ्रू फैमिली। एक परिवार के थ्रू कैसे एक पुरुष और स्त्री पुरुषत्व और स्त्रीत्व को समझते हैं, का क्या कार्य होता है पुरुषों का, क्या कार्य होता है महिलाओं को, महिलाओं को कैसे तौर तरीके, परंपराएं, तौर तरीके, नियम करने होते हैं, और पुरुषों को कैसे करने होते हैं, उसे कहीं ना कहीं हम जेंडर सोशलाइजेशन कहते हैं। मैस्कुलिनिज्म और सोशलाइजेशन आर एग्जामिन्ड एज आइडेंटिफाइंग प्रोसेस। प्राइमरी ग्रुप हेल्प टू क्रिएट एंड मेंटेन। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि क्रिएट करता है चीजों को बनाने में और उसको आगे तक बरकरार रखने के लिए, क्योंकि फैमिली एक ऐसी चीज है जिसको कि हमारे जो कि हमारा पार्ट होता है जीवन भर का। तो उसमें हमें तौर तरीके, रूल्स, रेगुलेशन, सारी चीजें सिखाई जाती है उस समाज में अपने आप को फिट करने के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं फैमिली एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। फैमिली कैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर करती है, द पेरेंट इफेक्ट पर्सपेक्टिव। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चा जो है वो एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वर होता है और वो ऑब्जर्व करता है अपने पेरेंट को, एंड द चाइल्ड इफेक्ट पर्सपेक्टिव। और कहीं ना कहीं अगर परिवार में एक से ज्यादा बच्चे हैं या उसका, उस बच्चे का जो समूह है वो इफेक्ट करेगा उसके सोशलाइजेशन प्रोसेस को। रिसिप्रोकल सोशलाइजेशन प्रोसेस, रिसिप्रोकल घूम फिर के वही चीजें आने वाली हैं जो कि बच्चा देखता रहता है और चीजों को समझता रहता है जब वो फैमिली का पार्ट होता है। सिस्टमिक इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, उस समाज में अपने आप को बरकरार रखने के लिए जब हम उस सोशलाइजेशन प्रोसेस को समझते हैं तो वो हो गया सिस्टमिक इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता है और कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है, क्योंकि जो समाज है वो परिवर्तनशील है, उस परिवर्तन के आधार पर हमें अपने आप को भी परिवर्तित करना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन फैमिली लाइफ द जेंडर पर्सपेक्टिव। इंडियन फैमिली लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स चाइल्ड हमें देखने को मिलता है। रोल्स जो होते हैं विद इन फैमिली होता है, जेंडर बेस्ड हायरार्की प्लेसमेंट चलता है, लाइक इसमें पैट्रियार्किज्म होता है जिसके आधार पे जो घर के बड़े सर्वे सर्वा होते हैं, मेल होते हैं, उनके ही रूल्स रेगुलेशन चलते हैं। जेंडर सोशलाइजेशन विद इन द इंडियन फैमिली हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है अगर हम इंडियन फैमिली लाइफ की बात करते हैं तो। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं क्या चैलेंजेस हैं जो कि फैमिलीज के द्वारा इनकाउंटर्ड यानी कि आपको बचा के रखते हैं। चैलेंजेस फैमिली मॉरल एंड बिलीफ, जो फैमिली के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो बच्चों को मॉरल्स एंड बिलीफ को समझाना, सिखाना। आइडेंटिटी कंफ्यूजन, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उनके अस्तित्व तो है क्या, वो फैमिली आपको बताती है। फैमिली एंड वर्क इंटरफेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन जेंडर रोल, क्या आपका रोल है और कैसे ये आपको एक समाज में उतारता है, वो चीज हम देखते हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस विद इन द फैमिली, हमें जेंडर बेस्ड वायलेंस देखने को मिलता है विद इन द फैमिली। तो दीज आर सम चैलेंजेस इनकाउंटर्ड बाय अ फैमिली इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। आई होप स्टूडेंट आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि जेंडर स्कूल सोसाइटी बीएड का जो एक पेपर है उसके आप कह सकते हो मेन पिलर्स हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ। एंड स्टूडेंट, आप मेरे चैनल के एंड वीडियोस को जो भी नीडी स्टूडेंट है जिनके तक आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, प्लीज इन्हें शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय।